हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज की हम बात करने वाले 2023 की रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 के बारे में। और क्लासिक 350 का आप गन मेटल ग्रे कलर देख रहे हो जो कि डार्क सीरीज के अंडर में आता है। डिटेल में बात करेंगे इस बाइक के बारे में, क्या प्राइस है, क्या फीचर्स है, क्यों आपको लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेनी चाहिए, किस्तों के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊँगा कि क्या कुछ आपको किस्तें पड़ेंगी, क्या आप डाउन पेमेंट कर सकते हो। डिटेल में बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। देख लो भाई, काफ़ी शानदार लुक्स के साथ ये बाइक आती है। डार्क सीरीज़ का एक बेनिफिट आपको देखने को मिलता है कि इसके अंदर आपको कंपनी फिटेड अलॉय व्हील्स मिलते हैं और ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, तो ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन जाता है अगर हम देखें तो, क्योंकि कंपनी फिटेड अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर आपको इसी सीरीज़ के अंदर देखने को मिलते हैं डार्क सीरीज़ के अंदर ही। इसमें दो कलर आते हैं, स्टीट ब्लैक, एक गन मेटल ग्रे जो आप देख रहे हो। गन मेटल ग्रे कलर भाई जब से आया है तब से बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, ट्रेंडिंग कलर है, इसकी डिमांड आज भी बहुत ज़्यादा है। जब से आया तब से इसकी डिमांड एक लेवल में बनी रही है। जिस तरह से इसके अंदर आपको डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है, सेमी डिजिटल, थोड़ा एनालॉग थोड़ा डिजिटल में, और पावर स्टार्ट का बटन यहाँ पे, इस तरफ आपके लाइट वगैरह कंट्रोल, रॉयल इनफील्ड की बैजिंग, मैट ब्लैक में इसका इंजन आपको देखने को मिलता है और अलॉय ब्लैक कलर के आपको देखने को मिलते हैं। तो काइंड ऑफ ब्लैक थीम रखने की कोशिश की गई है इस बाइक के अंदर। 252,000 रुपये के आसपास जो है इसका ऑन रोड प्राइस चल रहा है फिलहाल दिल्ली के अंदर। 252,000 रुपीज़ जो है इस बाइक का ऑन रोड प्राइस है, और काफ़ी बढ़िया बाइक है भाई क्लासिक 350। कुछ इस तरह के आपको टैंक पैड भी देखने को मिलते हैं गन मेटल ग्रे के अंदर जो कि काफ़ी शानदार लगते हैं। और 350 सीसी का इसके अंदर आपको लेटेस्ट जे सीरीज इंजन मिलता है 350 सीसी का, जो कि आपको 20.2 bhp की पावर निकाल के देता है 27 न्यूटन मीटर के टॉर्क के साथ, और काफ़ी शानदार इंजन है। किक इसके अंदर नहीं आती है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ड्यूल चैनल ABS आपको देखने को मिलता है। फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक आती है और रियर में भी डिस्क ब्रेक आती है इस मॉडल के अंदर, तो सेफ्टी वाइज भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाइक काफ़ी शानदार है भाई, रॉयल इनफील्ड की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है क्लासिक 350, और इसमें ये कलर काफ़ी अच्छे नंबर्स पर बिकता है, सेकेंड थर्ड पोजिशन पर ये कलर है। ओके, और इस बाइक की जो टॉप स्पीड है आपको 120 की मिलती है मैक्सिमम, जो कि मोर देन सफिशियंट है। देख लो बिल्कुल लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ ही बाइक मैं आपको दिखा रहा हूँ। 35 का माइलेज आप आराम से इस बाइक से जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो, 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज आपको आराम से निकाल के दे देगी। और ये है इसका सेमी डिजिटल मीटर कंसोल जो कि काफ़ी कूल लगता है भाई। इसके अंदर आपको फ्यूल मीटर मिलता है, ट्रिप मीटर मिलता है, टाइम मिलता है, और काफ़ी बढ़िया है मीटर ओवरऑल। इसमें आप ट्रिप नेविगेशन भी लगवा सकते हो, यहाँ पर आपको लाइट ऑन के कंट्रोल मिलते हैं, और इस तरफ आपको हजार्ड लाइट का बटन मिलता है, और इंजन किल स्विच विद पावर स्टार्ट बटन मिलता है। यहाँ पे आपको रॉयल इनफील्ड की बैजिंग, मैट ब्लैक में इंजन, क्लासिक 350, रियर में साड़ी गार्ड के साथ आपको लेडीज़ फुटरेस्ट मिलता है। बाइक के अंदर आपको USB चार्जिंग भी मिलती है जिससे आप अपने डिवाइसेस वगैरह चार्ज कर सकते हो, और बाइक काफ़ी शानदार लगती है। हेडलाइट, टेल लाइट और इसकी जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको हैलोजन में ही देखने को मिलते हैं। 5 गियर आते हैं बाइक के अंदर, 1 down 4 up वाला ही सिस्टम है, और 13 लीटर का आपको बड़ा फ्यूल टैंक मिलता है इसमें 2.6 लीटर की रिजर्व कैपेसिटी के साथ। फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी इसके अंदर जो है रॉयल इनफील्ड यूज़ करती है, और बाकी काफ़ी कंफर्टेबल है बाइक क्योंकि इसमें जो सस्पेंशन सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आते हैं 41mm फ्रॉक्स 130mm ट्रैवल के साथ, और 300mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक आती है ड्यूल चैनल ABS के साथ ही बाइक आपको देखने को मिलती है। रियर में इसमें ट्विन ट्यूब एमिल्शन शॉक एब्जॉर्प्शन विद 6-स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोडेड के साथ सस्पेंशन सिस्टम देखने को मिलता है, और रियर में भी इसमें डिस्क ब्रेक आती है 270mm की। बाकी आगे बात करें तो 19 इंचज़ का फ्रंट टायर आता है, 18 इंचज़ का रियर टायर आपको देखने को मिलता है, और ट्यूबलेस टायर जैसे मैंने आपको बताए। 195 kg बाइक का वेट है, 805mm की सीट हाइट है, 170mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, 2145mm की लेंथ है, 785mm की विड्थ है, 1090mm की हाइट है, 1390mm का व्हील बेस है। ट्विन डाउन ट्यूब फ्रेम इसके अंदर आपको चेसिस मिलती है जिसकी वजह से बाइक के अंदर वाइब्रेशंस काफ़ी कम है। 3 साल या 30,000 किलोमीटर की आपको वारंटी मिलती है जिसको आप एक्सटेंड भी करा सकते हो, तो काफ़ी रिलायबल प्रोडक्ट है, काफ़ी कंफर्टेबल है, और एक वैल्यू फॉर मनी ये मॉडल मुझे लगा। सर्विस एक्सपीरियंस के मामले में रॉयल इनफील्ड कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। परफॉर्मेंस के मामले में बाइक काफ़ी शानदार है, और बढ़िया बिल्ड क्वालिटी के साथ आपको मिलती है, अच्छी रीसेल वैल्यू ये बाइक जो है आपको ऑफर करती है। किस्तों की बात करें तो 30,000 रुपये दे के आप आसानी से इसको किस्तों पे ले सकते हो। 30,000 रुपये की डाउन पेमेंट करके अगर आप किस्तें बनवाते हो तो 20,300 रुपये के आसपास आपकी 1 साल की 12 किस्तें बनेंगी। सेम डाउन पेमेंट के साथ अगर आप 2 साल की किस्तें बनवाते हो तो 11,000 रुपये के आसपास आपकी 24 किस्तें बनेंगी।
तीन साल की अगर आप बनवाते हो तो 8,000 रुपये के आसपास आपकी 36 किस्तें बनेंगी सेम डाउन पेमेंट के साथ। 4 साल की अगर आप बनवाते हो तो 6,400 रुपये के आसपास आपकी 48 किस्तें बनेंगी। और 5 साल की अगर आप बनवाते हो सेम डाउन पेमेंट के साथ तो 5,500 रुपये के आसपास आपकी जो है 60 किस्तें बनेंगी। आधार कार्ड पैन कार्ड देकर आप इजीली बाइक जो है फाइनेंस करा सकते हो। तो यही थी हमारी ओवरऑल रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 गन मेटल ग्रे। सारी ही चीज़ें मैंने इस बाइक के बारे में आपको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं। बाइक का काफ़ी शानदार है, अगर आपको पसंद है तो बाइक फटाफट ले लो। थैंक यू।